है ही नहीं उसमें, ऐसा कोई वस्तु अस्तित्व में है ही नहीं। नहीं तो लेकिन जब उससे भी सूक्ष्म है वो, तो सूक्ष्मता की यदि हम बात करते हैं इसका मतलब वो भी एक वस्तु है। तो वस्तु ही है, वास्तविकता को व्यक्त करता ही है, लिखे ही है। नहीं, वास्तविकता को व्यक्त करना एक बात है, वास्तविकता को व्यक्त करने को वस्तु कहा है। लेकिन जब आप सूक्ष्म और उससे ज्यादा सूक्ष्म बोलते हैं तो वो लगता है कि वो भी एक प्रकार का मैटर है। मैटर नहीं है। क्यों? केवल स्पेस है। नहीं देखिए, मैटर शब्द और स्पेस, जब स्पेस है, सुनो तो सही, एक एक में गिनने में आता नहीं। वस्तु जो है ना सब गिनने में आता है, बाकी भौतिक रासायनिक वस्तु। तो फिर आप उसकी सूक्ष्मता की बात कैसे कर सकते हैं बाबा? इसीलिए करते हैं कि भीगा रहता है हर वस्तु। नहीं तो ये केवल भाषा हो गई क्या कि क्योंकि भीगा है हम कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म। उसको आपको समझना है, हमको समझना है, हम समझा हूं आपसे, आपको बता रहे हैं। समझने को जरूरत नहीं तो रखे रहो, ताक में रखो। नहीं बाबा, इसमें एक बात सुनिए कि जैसे जो हमने पानी और उसकी बात की थी कपड़े की, हो गए ना कपड़े एक भौतिक वस्तु के साथ भौतिक वस्तु के बारे में बताया। हाँ ठीक है ना? तो उसमें एक बात स्पष्ट कर लें, एक सेकंड, कि जहाँ पर जैसे खाली जगह है वहाँ पानी पहुँचता है, बताया। हाँ ठीक बात, खाली जगह पर, खाली जगह में। हाँ उसी लिए वस्तु रहने की बात हो गई। हाँ ये तो बात समझ में आ गए हैं। ठीक है, हम तो उसको देख चुका हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी ये वो ऊर्जा जो है, जो इसको इसके रूप में रहता है, विशालता के रूप में दिखाई पड़ती है हमको, आप हमारे बीच में, हर परस्परता के बीच में दिखता है, इसकी सूक्ष्मता इतना है, सभी इसमें भिगे ही रहते हैं, कहीं भी घूमेंगे ना भिगे ही रहते हो, इसके अंदर है, हम सब डूबे रहते हैं, घिरे रहते हैं, और इसको छोड़ करके कहीं जगह नहीं है। ये आप हमको बोध होने की आवश्यकता बनता है तो बोध हो जाएगी, यदि आवश्यकता नहीं है तो नहीं होगा, आवश्यकता पर निर्भर है। ये केवल आवश्यकता बनने की बात है। हाँ, हमको आवश्यकता थी तभी तो हम देखा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सूचना में कमी की बात नहीं हो सकती है इसमें, केवल हमारी आवश्यकता नहीं है इसलिए नहीं बन रहा है। देखो, एक से अधिक व्यक्ति को बोध होने की बात, हाँ, अनुभव होने की बात, हाँ, इस बात को तो अपन दावे से कह सकते हैं सबको हो सकता है। हाँ, यदि एक से अधिक को हो गया हो तो नहीं, वो सब प्रमाणित है। क्या चीज प्रमाणित है? मैंने एक से अधिक को बोध होता है। ये कैसे कह रहे हैं आप? लोग जो हमारे पास आते हैं उनके पॉपुलेशन के अनुसार कह रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपको लोगों ने कहा है कि उनको इन चीजों का बोध हो गया है। हम तो किसी के ऊपर अविश्वास करते हैं? नहीं नहीं, अविश्वास की बात नहीं बाबा, वो गलती हो सकती है, ये मतलब वो सही समझ रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच कैसे हो? वो तो उसका जीने की विधि से, उसको पहले हो चुके हैं आप हमारे साथ, जीने की विधि से ही मॉडल है। जीने की विधि में यदि व्यतिरेक नहीं है उसमें अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस आधार पर इसमें सार्वभौम व्यवस्था आती है, अखंड समाज की पहचान होती है, समाधान समझे अभय अस्तित्व प्रमाणित होता है, इसमें आप हमको क्या तकलीफ? नहीं, इसमें मैं एक बात पूछूं यदि आपसे कि ये बात इतनी सुंदर है, जैसे हम कहते हैं हमारी स्वीकृति बनती है, तो अनुसरण अनुकरण विधि से भी आदमी जिएगा इसको अच्छा सा हो सकता है। ठीक है, वो करें, इसीलिए कहा दोनों प्रकार की अवस्था रहेगी, मानव चेतना भी रहेगी, देव चेतना भी रहेगी, दिव्य चेतना भी रहेगी, मानव चेतना में ही अनुकरण करने वाली बात आती है।